जो भी मच्छर आपका खून चूस रही है दोनों शाकाहारी ही होते हैं, लेकिन अगर मच्छरनी गर्भवती होती है तो गर्भवती पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हम लोग मोटीन जला देते हैं, नोबान ओबान जला तो मच्छर घुस जाएगा अंदर चला। नहीं, अगर मिट्टी तेल नहीं डाल सकते, सरफ का पानी डाल दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए, सरफ का पानी डाल दीजिए, वो सरफेस टेंशन को क्या कर देगा, मतलब नालियों में हमेशा डाल देना क्या कीजिए। मच्छर जो होता है ना, अपना लार्वा जो अंडा होता है वो नलिए पानी में डाल देता है, उसमें देखिए कीड़े की तरह चलते रहते हैं सब, और सोच रहा मच्छर का बच्चा है निकलेगा उसमें, कुछ पतला पतला घूमते रहेंगे सही से एकदम पतला पतला, उसके बाद बड़ा होगा तो वही उड़ जाएगा। और उसमें अगर मच्छर है तो शाकाहारी, मच्छरनी है वो भी शाकाहारी होती है, दोनों शाकाहारी ही होते हैं, लेकिन अगर मच्छरनी गर्भवती होती है तो बचवा खूने में जिंदा रह सकता है, समझा गया। तो जो भी मच्छर आपका खून चूस रही है वो गर्भवती है, और गर्भवती पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हम लोग मोटीन जला देते हैं, हाँ कछुआ छाप, कछुआ छाप आप लोग के समय नहीं आता है, हम लोग के हम लोग के समय एक टिकिया आता था, टिकिया नीला रंग का ही सब, एक टिकिया आता था इसे, यही टिकिया क्या करते थे हम लोग जला देते थे, नीले रंग का टिकिया होता था, अन्ना तो न तो गाय भैंस के आगे धुआं कर देते थे, नहीं समझा, तो धुआं तो अभी होता है, धुआं हो जाएगा लोबान ओबान जला तो भाग जाएंगे सब मच्छर। अब मच्छर भी कम हो गए पहले की तुलना में, मच्छर और जुआ भी कम हो गए, नहीं तो पहले बहुत जुआ पड़ते थे सब, यहां से रहिए नहीं कम हुआ है तुम्हारा, है ही नहीं है, ओ अब कम हो गया ऐसा जुआ वगैरह, पहले तो अठाई पड़ जाते थे, अठाई बकरी उकरी में पड़ता है, गाय भैंस में वहां पर, अरे एक गाय भैंस में हमारी गाय में एक तो अठाई पड़ गया था, इतना चौड़ा होते हैं सब मटर के दाना बराबर, उसको नोच दिया जाता, हमारा एक बार यहाँ कट गया था, नहीं कट जाता है कभी कभी, बकोटा होता गया होगा, कभी कट गया होगा पेड़ और पे चढ़ने में, कभी लकड़ी से ऐसे लग गया, और उसमें है ना ब्लड जम जाता है तो पपड़ी नहीं जम जाता है, तो ऐसे कर रहे थे, हमको वही पपड़िया पकड़ाया, हमको लगा गाय वाला अठैया हमरा में तो नहीं पड़ गया, हम पकड़ के उसको धड़ाक से नोच दिया, उस सोच रहा खून निकलने लगा उसमें, हमको लगा कि अठाई पड़ गया है बाद में समझ में आया अठाई आदमी में नहीं पड़ता है, चिल्लर पड़ता है, नहाए हुएंगे नहीं लगता क्या होगा, अरे महीना में कम से कम एक बार तो नहा ही लेना चाहिए, कई गो महीना में भी एक गो नहीं नहाता है सब। आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत,